अपनी हंसी के मालिक खुद बनो, वरना रुलाने वाले तो बहुत मिलेंगे। किसी को जज करना इट्स वेरी इजी है ना, डू वट एवर यू वॉन्ट टू जज, आई हैव नो इशू। आपकी अपनी मेंटेलिटी, मुझे कुछ खराब लगेगा तो मैं उस चीज को वर्कआउट करूंगी। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ आज, आज मुझे मैं आज हेल्थी फील कर रही हूँ और शायद मैं हेल्थी बहुत जल्दी हो भी गई हूँ। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और आई एम हैप्पी एज आई एम। मैंने कल भी एक वीडियो बना के आपको बोला था, कोई जज कर रहा है, कोई तुम्हें कुछ कह रहा है तो अपने माइंड पे हावी मत होने दो। तो ये चीज मैं कैसे भूल जाऊं जो मैं किसी तुम लोगों को सिखा रही। कपड़ों से किसी को भी जज मत करो। जय माता दी। माता जी, आपकी वीडियो देखने के बाद ना, एक जो आपकी वीडियो में जो आप बोलते हैं ना, वो बातें हमारे समझ में आती हैं और आपकी हर एक वीडियो का एक मतलब होता है। वो मतलब इस बेसिस पे होता है कि उसमें आप किसी को सीख ही दे रहे हैं, आप किसी को सिखा रहे हैं। जहाँ तक मैंने आपकी वीडियो देखी है और उस वीडियो को देख के मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी कि वो चीज़ें मैं बहुत, कहते हैं ना हमारी सोसाइटी, हमारा समाज ना चाह के भी बहुत कुछ कर देता है जो शायद उन्हें नहीं पता होता।